वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम यूपीएससी नॉमेनक्लेचर सिस्टम कंटिन्यू करते हुए आगे के ग्रुप्स लेंगे। आज हम तीन ग्रुप्स लेंगे, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो फर्स्ट ग्रुप अमाइड, तो हियर इज अमाइड ग्रुप CONH2, दिस इज द अमाइड ग्रुप। एंड यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो टू कार्बन्स की है, इसलिए हम यहाँ पे एथिन अमाइड, इथेनामाइड। देन हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, इसमें दिस इज द अमाइड ग्रुप और रूल फर्स्ट को फॉलो करते हुए सेलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन्स की है। देन रूल 2, नंबरिंग। इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, तो ये हमें अब क्लियर हो चुका है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगी। हम इसकी नंबरिंग कर भी देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो दिस इज द 5 कार्बन चेन। तो इसके लिए जो रूट वर्ड होगा वो यूज होगा पेंटेन। अब इसमें नेमिंग करेंगे तो देर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। और फंक्शनल ग्रुप हमारा अमाइड है, इसके लिए सफिक्स भी अमाइड यूज होता है, तो हमारा फाइनल नेम हो जाएगा पेंटेनामाइड। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, इसमें फिर से सेलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें 4 कार्बन है 1, 2, 3, 4, और इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी 4 कार्बन है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, बट दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हमें उसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले। तो इस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और इस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, दैट्स वाई हम इस चेन को प्रायोरिटी देंगे एंड दिस इज द करेक्ट वन। इस चेन को सेलेक्ट करना रॉन्ग है और इस चेन को सेलेक्ट करना दिस इज द करेक्ट। तो हमारी चेन फाइनल हो गई है 4 कार्बन्स की। देन रूल 2 इज द नंबरिंग। तो नंबरिंग हमें फंक्शनल ग्रुप साइड से करनी है 1, 2, 3, 4। अब इसकी नेमिंग, नेमिंग में देखिए आप, इस ये 4 कार्बन चेन है, इससे दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, मेथिल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो प्रीफिक्स यहाँ लिखा जाएगा, और प्रीफिक्स दो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं इसलिए इनकी पोजीशन भी बतानी होगी। तो 2,2-dimethyl, 4 कार्बन चेन है तो ब्यूटेन, और फंक्शनल ग्रुप अमाइड है तो अमाइड। तो कंप्लीट नेम होगा 2,2-dimethylbutanamide। देन नेक्स्ट हम लेंगे साइनाइड। सी ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज द साइनाइड ग्रुप। अब इसमें रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन्स की है 1, 2। तो 2 कार्बन होने की वजह से एथेन, और साइनाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। तो इसका कंप्लीट नेम होगा एथेन नाइट्राइल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन्स की है 1, 2, 3, और इसमें आप लोग, आपके दिमाग में आ रहा होगा इस चेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए मेन चेन में। तो यहाँ पे यदि हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें भी मेन चेन में इंक्लूड हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा, और दोनों इसको भी हम सेलेक्ट करके देखेंगे बाद में, नेम इसका सेम ही आएगा। तो इसको आप देखिए, 3 कार्बन चेन हो गई, इसको नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, और सेकंड पे इसके मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2-methyl propane nitrile। ठीक है, अब सपोज कीजिए हम इसको चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, तो अगेन सेकेंड पोजिशन पे ही आपका मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम सेम वही हो जाएगा 2-methyl propane nitrile। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कंडीशन है नहीं, 3 कार्बन चेन है, सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। देन थर्ड एग्जांपल, रूल फर्स्ट सेलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए ये बनेगी 4 कार्बन की,
इसलिए इसके लिए जो रूट वर्ड होगा वो होगा ब्यूटेन। और इसमें दो मेथाइल ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, दोनों की पोजीशन 3 है, तो प्रीफिक्स यहाँ पे हो जाएगा 3-3 डाइमेथिल, ठीक है। और मेन कार्बन चेन 4 कार्बन्स की है तो ब्यूटेन, एंड साइनाइड ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है नाइट्राइल, तो इसका कंप्लीट नेम होगा 3-3 डाइमेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये साइनाइड ग्रुप हो गया है। नेक्स्ट हम लेंगे आइसोसाइनाइड ग्रुप। दिस इज द आइसोसाइनाइड ग्रुप हियर। अब इसमें आप देखिए आइसोसाइनाइड ग्रुप है, उसमें 2 डबल बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जो ये एरो का साइन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इसलिए इस एरो का जो टेल पोर्शन होगा नाइट्रोजन की तरफ और हेड पोर्शन कार्बन की तरफ होगा। अब इसके आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमें कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो यहाँ पे कार्बन चेन सिर्फ 1 कार्बन की है, इसलिए यहाँ पे अपन मैथिल यूज करेंगे। तो इसका कंप्लीट नेम होगा मैथिल आइसोनाइट्राइल। देन आगे आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 2 कार्बन की है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एथिल आइसोनाइट्राइल। एंड सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे प्रॉप यूज हो जाएगा, और इसका कंप्लीट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की हो गई इसलिए प्रॉप, और इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा प्रोपिल नाइट्राइल। तो ये आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर हुआ। तो आज की क्लास में हमारा एमाइड साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कंप्लीट हो गया है, और आगे के ग्रुप्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।